हेलो गाइस, आज की एक नई शाम है, नई शुरुआत है और हम पहुंच चुके हैं गणपति धाम। बहादुरगढ़ में स्थित है, हिंदुस्तान की दूसरी सबसे गणेश की ऊंची प्रतिमा है। प्रतिमा के भी दर्शन कराएंगे आपको। प्रतिमा के नीचे जो मंदिर स्थापित है उसमें पहुंचे हैं अभी। तो मंदिर का कुछ इस तरह का व्यू है सामने से, साथ में पानी पीने की व्यवस्था, हाथ धोने की और अपने चप्पल जूते निकालने की व्यवस्था की गई है। तो मंदिर का सामने से कुछ व्यू ऐसा है, दोनों तरफ गजराज हैं अपने। और ये देखिए श्री गणपति मंगल धाम मंदिर साखोल बहादुरगढ़ की मूर्ति स्थापना का उद्घाटन माननीय श्रीमती कविता जैन, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2016 को किया गया। और ये मुख्य अतिथि हैं नीचे। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतं परमेयमर्गं निर्वाणां शान्तिं प्रदं ब्रह्मासं गोपेन्द्रियं सेव मनिषं वेदान् वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरे वन्दे तो ये अपने बाबा बर्फानी हैं। ये देखिए बाबा बर्फानी का भी शिवलिंग है, भगवान श्री राम है, गणेश जी विराजमान है, हनुमान जी है, शिव पार्वती भी है मंदिर के अंदर। और वही साथ आरती दी गई है, ये देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए अपने वही आरती दी गई है साथ में बिल्कुल। तो ये भी शिव मंदिर है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए इसमें। ये देखिए जा रहा है।
तो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और अपने बाल गोपाल जी है झूला झुलाते हुए, परी और निकिता आई है दोनों। लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो दोस्तों हमारे साथ है अभी मंदिर के मुख्य पुजारी जी और साथ में सेवक जी भी है, दोनों ही अपना कार्यभार सफलतापूर्वक कर रहे हैं और मंदिर के पुजारी से पूछते हैं, मंदिर के पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है, तो बताइए क्या दिनचर्या रहती है महाराज जी इधर की पूरी। मंदिर का खुलने का समय जो है 5 बजे हमारा मंदिर खुल जाता है और सुबह का जो हमारा आरती है वो 6 बजे होती है, बाकी पूरा दिन भाव भजन कीर्तन के साथ शुरू होता है। 12 बजे हमारा मंदिर विश्राम होता है भगवान को, जैसे मनुष्य का दिनचर्या होता है कि खाना भोजन करने के बाद 1-2 घंटा विश्राम करे, उसी प्रकार भगवान को अपनी तरह विश्राम दिया जाता है कि प्रभु थोड़ी देर के लिए आप विश्राम हो जाइए, फिर उसके बाद 4 बजे हमारा मंदिर खुलता है, खुलने के बाद भगवान की आरती 6 बजे होती है, उसके बाद आपको भगत अगर आ गए तो भजन कीर्तन के साथ 9 बजे मंदिर का विश्राम होता है। ये हमारे भगत जी हैं सेवादार, भगवान को 5 साल हो गया सेवा करते हुए, ऐसे है हमारे मंदिर का, जो भी मन्नतें यहाँ मांगोगे वो सबकी मन्नतें भगवान हमारे विघ्न विनाशक जी पूर्ण करते हैं। ये बैठे हैं हमारे, बोलिए गजानंद भगवान की। जो भी मन्नत मांगोगे यहाँ पे आपका हफ्ता 10 दिन या महीना 2 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो गणपति धाम की एक मुख्य विशेषता है जो भी आप मन्नत मांगते हो इधर जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि हफ्ता 10 दिन प्रभु का स्मरण करो गणपति जी का और गणपति जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा जी। और जो ऊपर की तरफ गणपति की मूर्ति है वो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊँची प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई करीब करीब 75 फुट 74 फीट हाइट है इसकी और ये दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है गणेश जी की। जो सबसे ऊंची है उसकी हाइट 85 है, कोल्हापुर के अंदर महाराष्ट्र में है और इनका चरण से है, चरण से है। ओके, इनका हाँ चरण से है, चरण से है। उनका गर्भ से है। अच्छा हाँ ओके। इनका गर्भ से 120 फीट है, गर्भ से जो गणपति जी की मूर्ति है वो 120 फुट है और जो कोल्हापुर वाली हम बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र के अंदर है वो है 85 फीट की। तो आप तो 5 साल से इधर ही सेवा कर रहे हो? हाँ 5-6 साल हो गए। तो मीन्स 5-6 साल के बैक वाला भी हिस्ट्री आपको पता होगी क्योंकि मंदिर का जो निर्माण हुआ है करीब करीब 10 साल के अंदर हुआ है ना? इसको बनने में 14 साल लगे। तो मंदिर को बनने में ही 14 साल लगे हैं, तो विशाल का मूर्ति तो बननी ही थी, तो एक मंदिर में काफ़ी टाइम लगा है बनने में। तो चलिए आपको ऊपर जो अपने गणपति जी विराजमान हैं जिनकी हाइट 70 फीट है आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गणपति जी के पास, 75 फीट की हाइट की ऊंचाई है और ये रात का समय है, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है और गणपति जी की मूर्ति भी 75 फीट की हाइट की ऊंचाई है इसकी और हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है गणेश जी की, पहली जो प्रतिमा है वो कोल्हापुर में महाराष्ट्र में है, उसकी जो हाइट है 85 फीट है और ये देखिए
अपने गणपति जी है, ये जो बच्चे फैमिली से मेरी है, जय गणपति बाप्पा मोरिया। तो मंदिर में जो पार्क है उसका कुछ व्यू रात के समय इस टाइप का रहता है, बहुत ही सुंदर फुहारे हैं चले हुए हैं। दूसरा भगवान की प्रतिमा के पास भी फुहारे हैं जो कि अभी बंद है। ये देखिए